सो गाइस फाइनली आई हैव रीच्ड द लग्गर बीच दापोली और आप देख सकते हैं ये बीच जो है कितना क्लीन है और ये जो सैंड है वो ब्लैक सैंड है। तो आपको इसका डार्क टेक्सचर है वो इसलिए दिखता है बिकॉज जो सैंड का यहाँ पे कलर है वो ब्लैक है। तो जब भी आप पीछे देखोगे तो आपको दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये जो बीच है वो थोड़ा से सेक्लूडेड एरिया के अंदर आ जाता है। इट इज़ नॉट अ कमर्शियल काइंड ऑफ बीच। जो मुरुड करके बीच है और दो बीचेस छोड़ के वो थोड़ा कमर्शियल हो जाता है। ये वाला बीच जो है वो सेक्लूडेड है, एकदम क्लीन रखा है इन्होंने। और इसके पीछे देखिए व्यू जो है कितनी ज़बरदस्त है, पीछे पूरे माउंटेन जाइए। अभी ये माउंटेन्स के थ्रू आपको जाना पड़ेगा अगर आपको आगे इसके खरडे बीच पे जाना है या मुरुड बीच पे जाना है। तो अभी आप देख सकते हो मेरे पीछे यहाँ पे ये जो एरिया है यहाँ पे कुछ लोगों के घर है, कुछ छोटे छोटे होटल्स हैं एंड आप इस बीच के ऊपर गाड़ी भी ला सकते हो। और अभी आप देखो ये पीछे से मोटरसाइकिल जाएगी, तो ये मोटरसाइकिल भी यहाँ पे लोग ड्राइव करते हैं। जो अभी है थोड़ा सा टाइड जो है वो थोड़ी सी लो है, इसके लिए आप देख सकते हैं कि पीछे तक जो है पानी आता है इसका, मगर टाइड जो है अभी करंटली लो है। ये सैंड गीली है, इसका मतलब ये है कि भाई पानी इधर तक तो डेफिनेटली आता है मगर अभी बिकॉज ऑफ लो टाइड वो जो है वो इतना पीछे है। तो इसके लिए ये बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि भाई हाई टाइड और लो टाइड के जो टाइमिंग्स हैं वो क्या है, तो उसके हिसाब से हम इस बीच पे आ सकते हैं। और ये पीछे साइड जो आप देखो ये अगेन जो माउंटेन का व्यू है वो कितना अच्छा दिखता है अरेबियन सी के साथ में जो जुड़ा हुआ है। इसका जो पेरीमीटर है पेरीमीटर वाइज भी ये काफ़ी बड़ा है ये वाला बीच। और इसके जो ये पहाड़ के जो पीछे के साइड में है ये बीच कंटिन्यू होता है और फिर उसके बाद में आता है खरडे बीच। तो इट इज़ क्वाइट बिग बीच। अगर हमको वो साइड पे जाना है तो बेसिकली इसके पीछे जाना है तो हमें एक रोड मिलता है जो ये पहाड़ के पीछे से जाके दूसरे साइड पे ओपन होगा। तो ये बेसिकली है लग्गर बीच का एक एंड और दूसरा एंड जो है वो साइड में है। यहाँ पे इतनी शांति और पीस है कि इंसान आराम से यहाँ पे 2-3 घंटे निकाल सकता है। तो जो बीच की ब्यूटी होती है वो इसी सब चीज़ों के कारण होती है। तो चलिए थोड़ा सा नज़दीक जाके देखते हैं। तो महाबलेश्वर से सीधा अरेबियन सी है ना, मज़े की बात। तो थोड़ा यहाँ पे मेरे ख्याल से चप्पल उतारनी पड़ेगी मुझे एंड अभी सैंड पे चलने का मज़ा ही कुछ और है, वो भी गीली रेत। और ये तो देखिए हाथ में लेके अगर देखते हैं तो पता चलता है कि भाई ये जो पानी है वो क्लीन है। इसकी सैंड जो है देखो ब्लैक है पूरी की पूरी। ये देखो कितना क्लीन पानी है इसका। तो जब ये पानी आता है तो साथ में सैंड भी लेके आता है, तो वो ब्लैक कलर ऑफ द सैंड के कारण ऐसा लगता है कि भाई पानी भी गंदा है, लेकिन ये देखिए क्लैरिटी पानी की ये। मौसम जो है वो 1 बजे हैं अभी, धूप निकली हुई है, आप देख सकते हो कि धूप निकली हुई है मगर फिर भी जो मौसम है वो प्लेजेंट है, इतना पसीना नहीं आ रहा है। पानी भी जो है वो काइंड ऑफ नॉर्मल है, गर्म नहीं है क्योंकि इतनी गर्मी के अंदर जो 31-32 डिग्रीज है पानी भी जो होता है वो थोड़ा सा गर्म होता है मगर इतना गर्म नहीं है पानी, इट इज़ स्टिल कोल्ड। एंड आप देख सकते हैं ये लो टाइड पूरी की पूरी अभी जो है आ रही है। तो
दापोली के बीच जो है ये मार्क्स तो ले गए क्लीनलीनेस के मामले में, और इसका लुक भी थोड़ा सा यूनिक आ जाता है ब्लैक सैंड के कारण। ऑल्दो इट इज़ नॉट दैट प्रिटी देखने में बिकॉज ऑफ द ब्लैक सैंड, वाइट सैंड बीचेस हैं उनको एक बेनिफिट हो जाता है इस केस के अंदर। तो अगर आपने मेरे थाईलैंड की सीरीज़ देखी होगी हेलो थाईलैंड, तो वहाँ पे जो वाइट सैंड बीचेस पे मैं गया था स्पेशली काइनाय बीच और फिफी आइलैंड्स, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई जो सैंड है वो एकदम ब्राइट है वाइट है, एंड उसके अलावा जो बीच के पानी है उसका कलर जो है वो ब्लूइश है, तो वो ओशन ब्लू जिसे कहते हैं ना, परफेक्ट वो कलर है और पूरा ट्रांसपेरेंसी है उसकी, वो दिखता है नीचे पूरा का पूरा जो उसका बीच है। अभी इस केस के अंदर क्या है, ये बीच जो है ब्लैक सैंड ला रहा है तो उसके नीचे कुछ दिखता ही नहीं है। आप अपने पैर को भी आप देखते हो तो उसके ऊपर भी सैंड ही जमा होती है, तो यही एक डिफरेंस है। एंड जैसे कि मैंने कहा कि आप मेरे थाईलैंड के वीडियोज़ भी देख सकते हो, और उसमें आपको जो बेस्ट बीचेस है थाईलैंड के वो मैंने उसमें दिखाए हैं, मगर जहाँ तक सवाल है इंडिया का और ख़ास करके महाराष्ट्र का, ये बीच है वो बहुत ही बोल सकते हैं अच्छा है। एंड आप डेफिनेटली जब दापोली आएंगे, यहाँ आप दापोली का ट्रिप बना रहे हो तो बीच के लिए तो एटलीस्ट हाफ डे रखना, फिर चाहे आप कोई भी बीच पे जा सकते हो, आप अंजरले बीच पे जा सकते हो, आप करडे बीच पे जा सकते हो, आप लदगर बीच पे आ सकते हो। तो गाइज होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपने दापोली के बारे में कुछ पूछना है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ 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 इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। सो नाउ बैक टू मुंबई।